हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बताया, डेली सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम टॉम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर की क्लास मिस मत किया करें, इसीलिए मैं लाइव नहीं कराता हूं, ताकि लंबी क्लास ना बने। छोटी सी क्लास में 25 क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको रिवीजन में भी आगे आसानी रहेगी और आप अभी भी क्लास इसको अटेंड कर सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है, 9 से 10 मिनट की क्लास होती है, इतना तो टाइम आप निकाल ही सकते हो, इसलिए क्लास मिस मत किया करो। जितने भी क्लास छूट गए हैं या आपने रिवीजन नहीं किया है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जितने भी क्लासेस ऐड हैं सारा रिवीजन कर डालिए भाई एक बार। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर दिन में आप 5 भी क्लासेस रिवीजन करते हैं तो कितना टाइम जाएगा आपका, मुश्किल से 40 से 50 मिनट। करंट अफेयर को तो आप दे ही सकते हैं। तो भाई चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस क्लास का लाइक का एम 300 लाइक का एम रखता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग इससे ज्यादा भी लाइक सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज लाइक करें। पीडीएफ फाइल इसका टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई जानकारी चाहिए, कुछ मुझसे आप बात करना चाहते हो। और भाई अगर आप सरकारी सीट पाना चाहते हो तो हमारे इस क्रैश कोर्स से तैयारी जरूर करें। क्रैश कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खरीदने का मात्र ₹149 पे कर इस कंप्लीट सिलेबस का कोर्स को आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन एंड सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि पेपर से अलग आपको सारे सब्जेक्ट भी दिए गए, पेपर दिए गए विद एक्सप्लेनेशन सारे सब्जेक्ट, जैसे हिंदी हो गया, जीके हो गया, जीके में जितने टॉपिक हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सब कुछ मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तक यहां पर डाला गया है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी वक्त है इसको पढ़ने का, लिंक दिया गया है, वहां से खरीद सकते हैं। अगर लिंक से परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी इस कोर्स को खरीदने में। तो अगर आप इच्छुक है तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बताइए। 25 का राइट आंसर, 25 का उत्तर करो भाई, 25 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ग्वालियर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आरोक का उद्घाटन किस देश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दें आप सब लोग, सभी लोग शेयर कर दो भाई, ताकि और भी लोग क्लास में जुड़े। ट्वेंटी सिक्स का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाल, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका उत्तर करिएगा। हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना, जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर दो भाई, अगर आंसर मालूम हो तो आंसर जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, रूस, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनेस्को गुइलेमरो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मारिया रेशा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दें आप लोग, उनतीस नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रवि कपूर को। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है। 30 नंबर का जवाब दें आप लोग, थर्टी का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, किस मंत्रालय द्वारा टैपास ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है भाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर दीजिए, 31 का उत्तर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसको तपस भी कहते हैं, तपस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, TAPAS। 31 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी का उत्तर हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दें आप लोग, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी का उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश।
अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है, वाइल्ड इनोवेट ऑर्डर 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हैं भाई। 33 का बी का उत्तर हो जाएगा कीर्ति के करंत। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का भी उत्तर दीजिए। चौंतीस नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का उत्तर हो जाएगा पुद्दीचेरी। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रश्न हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है ये बताओ भाई। यानी एक तरफ पुस्तक दिए गए, एक तरफ उनके राइटर के नाम दिए गए, कौन सही सुमेलित है ये बताना है। 35 का उत्तर देना है भाई आपको। 35 का डी से उत्तर हो जाएगा, यानी कि सारे ही सही हैं। जैसे कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये सारे प्रश्न जो है, ये नई पुस्तकें जो है पूछा सकता है, बुक्स एंड ऑथर पूछता है भाई। तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर के जो लेखक हैं वो है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। हाउ द अर्थ गॉट द ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने लिखा है। डी बिल्कुल सही है। अगला है 36 नंबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए भाई उत्तर क्या हो जाएगा इसका। 36 का उत्तर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा महाराजा अग्रसेन, उग्रसेन। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया है। थर्टी सेवन का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर दीजिए सब लोग। थर्टी एट का एक उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 39 का जवाब दें। थर्टी नाइन का सी का उत्तर हो जाएगा केरल। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर दीजिए सब लोग। चालीस का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी का उत्तर हो जाएगा माइकल ब्लूबर्ग। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41 है, चलिए प्लैटिप्स जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लैटिप्स अभ्यारण किस देश में बनाया जा रहा है। 41 का भी उत्तर देते चले भाई सब लोग, लाइक कर दो, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है। 46 का सी का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42 है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। 42 नंबर का उत्तर दें। 42 का क्या हो जाएगा भाई सी का उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। अगला है देखो भाई क्वेश्चन नंबर 43 है, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या है। 43 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, द क्लॉक इज टिकिंग। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग से एक प्रश्न पूछा जाएगा, याद कर लेना भाई, ये सारे रिसेंट के जो जीआई टैग दिए गए प्रोडक्ट को वो आपका इंपॉर्टेंट है। 44 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 45 है, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। 45 का उत्तर दीजिए। 45 का उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। अगला देखो 46 नंबर, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहां किया गया है। 46 का जवाब देते चले भाई आप लोग।
46 का उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हरिद्वार। हरिद्वार बिल्कुल सही जवाब है भाई, काफी लोगों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर दें, 47 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 48 काफी इंपॉर्टेंट है भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, बसरते आपको क्लास देखने की जरूरत है, जब देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई क्या पढ़ा रहे हैं सर। 48 का उत्तर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, दिल्ली चंडीगढ़। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है भाई, 49 का जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला और अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, बजट 2021-22 में कहां केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है भाई, बताइए 50 का जवाब। पचास का उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लेह बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा लेह। तो ये दोस्तों रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न, दोस्तों आंसर की भी मैंने तैयार कर लिया है, आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, 300 लाइक पूरा करवा दो बस, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, इसका पीडीएफ फाइल भी आंसर की भेज दूंगा, रिवीजन करने ला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहीं पर पीडीएफ फाइल मिलेगा। और अगली क्लास होगी दोस्तों 11 बजे जीके की लाइव मैराथन टेस्ट, रात में हुआ था शाम को हिंदी का मैराथन टेस्ट, बहुत ज्यादा लोग जुड़े थे, आज भी आप सब लोग जुड़ेंगे कमेंट में लिख के जरूर बताना, हां सर जीके वाली क्लास भी मैराथन करिए, तो जरूर मैराथन करेंगे भाई, कमेंट में लिख के जरूर बताइए, शेयर कीजिए, सब लोग लाइक कीजिए,